टिकटॉक इंडिया डे परेड में अल्लू अर्जुन की हुई जय जयकार। फीफा वर्ल्ड कप के मंच पर दीपिका पादुकोण को देख हुआ गर्व, अपने नाम की ये बड़ी अचीवमेंट। शाहरुख खान का नाम दुनिया के 50 महान एक्टर्स की लिस्ट में शामिल। साल 2022 में दुनिया के सामने इन सितारों ने भारत को किया प्रेजेंट। वेल, इस साल पुष्पा राज अल्लू अर्जुन अपनी पत्नी स्नेहा के साथ न्यूयॉर्क के ईयरली इंडिया डे परेड में शामिल हुए। इसकी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें भारत की स्वतंत्रता को 75 वर्ष पूरा होने का जश्न मनाया गया। ऐसा कर अल्लू अर्जुन ने बढ़ाया देश का मान। कतर में हुए फीफा वर्ल्ड कप 2022 में दीपिका पादुकोण ने फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल से पहले शानदार ट्रॉफी को लॉन्च किया। इसी के साथ वे ऐसा करने वाली पहली भारतीय बन गए हैं। ये भारत के लिए गर्व की बात है। वहीं इस साल दीपिका ने फैंस को एक बड़ी खुशखबरी सुना दी। दरअसल उन्हें कांस फिल्म फेस्टिवल की मेन जूरी के रूप में चुन लिया गया। वैसे शाहरुख खान के नाम तमाम अचीवमेंट्स दर्ज हैं। ऐसे में इस साल शाहरुख खान को एम्पायर मैगजीन ने दुनिया के 50 महान एक्टर्स की लिस्ट में शामिल किया है। ऐसा करने वाले शाहरुख खान पहले भारतीय बने हैं। वहीं फीफा वर्ल्ड कप फाइनल मैच से ठीक पहले क्लोजिंग सेरेमनी में नौरा ने अपनी धमाकेदार परफॉर्मेंस से सबको झूमने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने वर्ल्ड कप की थीम को इंग्लिश और हिंदी दोनों में गाया और परफॉर्म किया। ऐसा कर नौरा फतेही ने इंडिया का नाम रोशन किया। वेल, तो कुछ ऐसे इवेंट्स के जरिए इन स्टार्स ने देश का नाम बढ़ाया और लोगों का दिल जीत लिया।